आइए दिल की गहराइयों और शौक वेला की तमाम तरगतों के साथ अहले ईमान शौक से लूटे सवाबे मुस्तफ़ा सिद्ध दिल से बावजू पढ़कर किताबे मुस्तफ़ा बागबाने गुलशने आलम को जो आया पसंद था वो गुलजारे नबूवत में गुलाबे मुस्तफ़ा उसी दर का खादिम यानी हर दिल अजीज महबूब अंसारी पूरी दुनिया अदब में अपनी शायरी और अपने तरन्नुम के इबारत से पहचान बना चुका है। आइए बसर अदब महबूब अंसारी साहब से गुजारिश करेंगे, यही कामयाबी की जमानत बन जाएंगे इंशाल्लाह। नारे सलवात से अपना सारा इमरान भाई ने कहा नजीब भाई सारा निजामत वक्त आप अंसारी भाई को दे दीजिए, डायरेक्ट शायर को बुलाइए, इसलिए आइए एक शेर पढ़ देते हैं जो सबके लिए दुआ की थी, अपने जाहिद भाई के लिए भी, वहाँ 5 लाख का मजमा खड़ा हो गया था, अब यहाँ देखें कि इस शेर को कहाँ तक आप लेते हैं। बैनुल हरमैन है, सब लोग को गिरमी अपनी माँ बहनों को करते हैं, अगर शेर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। जाहिद भाई आप वहाँ नहीं थे लेकिन अब की साल पिछले साल तो थे कि महवे ख्याले रोज़े शाह जमा है हम। इज्जत माँ शेर हिंदुस्तान भाई हमारा साहेब भाई, अगर शेर पसंद आए कि महवे करबला कौन जाने क्या है कैसी है कहाँ है करबला, दुश्मन हक के लिए पर के तपा है करबला, हो गई सदियां मगर अब तक जवा है करबला, गौर से देखो तो सीने में नेहा है करबला, करबला माँ बहने हर जो फर्ज में बस एक राज है, करबला हर दौर में शब्बीर की आवाज है, करबला एक तजल्दुल है मोहिते दौरा, करबला खिरमने सरमाया पे है बर के तपा, करबला जुर्रत इनकार है पेशे सुल्तान, करबला तब्ल पे है जरबते आवाज अदा, फिक्रे हक सोच यहाँ काश नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई कह दे ये हुकूमत के निगह पानों से, करबला एक अवधि जंग है सुल्तानों से, जब करबला याद आएगी इंसानियत शर्माएगी, मजलूम की आवाज है दिल में उतर जाएगी, एक तरफ जाहिद एक तरफ नजीब खड़ो के निजामत कर रहे थे, अब शेर हुआ और महबूब अंसारी का यही से खैर मकदम के महवे ख्याले रोज़े शाह जमा है हम, इस वक्त हमसे कोई ना पूछे कहाँ है हम। अरे कम से कम बोलिए तो, करबला की बात हो रही है इंशाल्लाह आपको भी नसीब होगी कि महवे जाहिर का मतलब क्या है, मैं करबलाए मोहल्ला से होके आया हूँ, मेरे नसीब की रहबर सानिया जहरा के हूँ, करके लौटा हूँ निजामत दर शब्बीर से, मैं जाहिर शाह हूँ सलवात की बौछार तो हो, ये थोड़ा बोलिए कि महवे ख्याले रोज़े शाहे जमा है हम, इस वक्त हमसे कोई ना पूछे कहाँ है हम, ये रोज़े हुसैन है वो रोज़े जरी, दो जन्नतें हैं दोनों तरफ दरमिया है हम। सलामत रहिए सलामत रहिए। आइए बसत खलूस गुजारिश कर रहे हैं आली जनाब महबूब अंसारी के लिए नारे सलवात। हजरात मैं हाजिर करता हूँ, जरा खास तौर से मुलाहिजा फरमाइए, पहले 4 मिसरा हाजिर करता हूँ के हर आदमी के हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे। आखिरी मजमे तक मुलाहिजा फरमाइए, अगर वहाँ तक अगर मेरी आवाज़ अगर पहुँच रही हो और वहाँ तक मिस्रा वो शेर अगर पहुँचाए तो कम से कम इतना है कि दुआओं से नवाज दें, वहाँ तक ना पहुँचे तो कोई ज़रूरत नहीं है। मुलाहिजा फरमाइए खास हो जा रहा है अच्छा दूर से के हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, हर हर आदमी के हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, तकदीर के आगे तकदीर है बेबस मेरे शब्बीर के। हर आदमी के हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे,
अरे तकदीर के आगे, अरे तकदीर के आगे, तकदीर है बेबस मेरे शबीर के आगे, तकदीर है बेबस मेरे शबीर। भैया अगर सरगोशिया करने वाले सरगोशिया कर रहा हूँ, उनसे कहते हो जरा खामोशी, बस खास तो तवज्जो दीजिए। है कैस हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, तकदीर है बेबस मेरे शबीर के आगे। अब तीसरा चौथा मिसरा मुनाज़ा फरमाइए। हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, जहरा के बिना जहरा के बिना होगी ना महशर में शफात। एक सबूत चौथा मिस्र में खास तौर से मुरादा फरमाइए। कहा आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, अरे तकदीर है बेबस मेरे शबीर के आगे, शबीर के आगे। जहरा के बिना होगी ना महशर में शफात, तुम नाक भी रगड़ोगे किसी पीर के आगे। अरे जहरा के बिना होगी ना महशर में शफात, अरे तुम नाक भी रगड़ोगे किसी पीर के आगे, अरे तुम नाक भी रगड़ोगे किसी पीर के आगे, किसी पीर के आगे। और देखिए खास तौर से मुलायजा फरमा लीजिए। मैं एक मतलब दो शेर और मैं आपके ज़ौक़ समात के हवाले कर रहा हूँ, आखिर मजबूत है कि मुलायजा फरमाइए। खास तौर से अर्ज़ करता हूँ, मुलायजे कीजिए कि वो और हैं, अरे वो और हैं कि जिनके इरादे बदल गए, वो और हैं कि जिनके इरादे बदल गए, हमने तो या अली का तूफान टल गए। वो और हैं कि हर जिनके इरादे बदल गए, हमने तो या अली का तूफान टल गए। अरे बमबारियाँ जो करते हैं मस्जिद में जा बजा, ये सब वो यजीदी है चेहरे बदल गए, ये सब यजीदी है वो और हैं कि जिनके इरादे बदल गए, हमने तो या अली का तूफान टल गए। अरे बमबारी जा, अरे बमबारी जा जो करते हैं अरे मस्जिद में जा बजा, अरे ये सब वो ही यजीदी हैं चेहरे बदल गए, ये सब वही, अरे ये सब वही यजीदी हैं चेहरे बदल गए, चेहरे बदल गए। और पाया है मैंने जब से उजाला गदीर का, पाया है मैंने जब से उजाला गदीर का, चुपचाप मेरे घर से अंधेरे निकल गए,
चुपचाप मेरे घर से अंधेरे निकल गए और निस्बत हुई, निस्बत हुई है जब से पैगंबर की आल से। अरे निस्बत हुई है जब से पैगंबर की आल से। अरे मुझ जैसे खोटे सिक्के भी दुनिया में चल गए। जैसे खोटे सिक्के भी दुनिया में चल गए, मुझे जैसे खोटे सिक्के भी दुनिया में चल गए। हजरत मोहब्बत, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप हजरत को बड़ी मोहब्बत है, लाइक एहतराम आपकी समात है। हजरत अब मैं चाहता हूँ कि एक मतलब चंद शेर, दो मतलब चंद शेर मैं आपकी शौक़ समात के हमारे आखिरी मजबे तक वैसे ही संपन्न तरीके से पढ़ता रहूँगा इंशाल्लाह, आप तक आपकी शौक़ समात तक खास तौर से और पूरी बर्दस्ती के साथ आप अपनी शौक़ समात हाजिर रखें। मुलाहिज़ा फरमाइए हुज़ूर, अर्ज़ करता हूँ मतलब ख़ास तौर से मुलाहिज़ा फरमाइए और बड़े संजीदगी के साथ हुज़ूर। के सलीका सलीका सुनिए, सलीका चाहिए मक्तन में मुस्कुराने का, सलीका चाहिए, सलीका चाहिए मक़तल में मुस्कुराने का, मज़ा तभी तो है गर्दन पे तीर खाने का, मज़ा तभी तो है गर्दन पे तीर खाने का, कोई भी हो अबू तालिब तेरे घराने का, वो जानता है हुनर दीन को बचाने का, कोई भी हो अबू तालिब तेरे घराने का, वो जानता है हुनर दीन को बचाने का, दीन को बचाओ। खास तौर से अर्ज करता हूँ, देखिए खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाइए, वो जानता है हुनर दीन को बचाने का, बचाने का, अली से दुश्मन यूं भी थी कुफर ज़ादों को, अली से दुश्मनियों भी थी कुफर ज़ादों को, इसी का काम है काबे के बुत गिराने, अली से दुश्मनियों भी थी कुफर ज़ादों को, इसी का काम है काबे के बुत गिराने का, चली है बिनत असद आके देख लो मरियम, सलीका सीख लो काबे में दर बनाना, सलीका सीख लो काबे में दर बनाने का, सलीका सीख लो काबे में दर बनाने का, सितारा जैसे ही उतरा समझ गए है दे, खुदा ने भेजा है रिश्ता बड़े घराने का, खुदा ने भेजा है रिश्ता बड़े घराने का, बड़े घराने का, ए मुफ्तियो अबू तालिब को मत कहो काफिर, भाई दूसरा मिसरा सुनो खास तौर से, ए मुफ्तियो अबू तालिब को मत कहो काफिर, खुदा ही जाने ये मोमिन है किस जमाने का, किस जमाने का, खुदा ही जाने,
ऐ मुफ्ती जो अबू तालिब को मत कहो काफिर, खुदा ही जाने ये मोमिन है किस जमाने का, अरे किस जमाने का। अज़ा का फर्श बिछाते ही आ गई जहरा, अज़ा का फर्श बिछाते ही आ गई जहरा। नसीब देखिए मेरे गरीब खाने, अज़ा का फर्श बिछाते ही आ गई जहरा। नसीब देखिए मेरे गरीब खाने का, गरीब खाने का, अरे गरीब खाने का, गरीब खाने का, गरीब खाने। अब तवज्जो चाहूँगा, जितने मैंने शेर पढ़े हैं इन्हीं कुछ अशार के लिए खास तौर से आखिर में पढ़े, तवज्जो चाहूँगा। मुलाजा फरमाइए। झुका दिया है दरे पंज तन पसर जिसने, उसी को हक है जमाने में सर उठाने। नहीं पहुंचा अभी तो दूसरा शेर पढ़ रहा हूं खास तौर से मुलाजा। उसी का हक है जमाने में सर उठाने का, आखिरी मजमे तक। उसी को हक है जमाने में सर उठाने का, बताओ किस तरह, बताओ किस तरह हम तुमसे फैसला कर लें, तुम्हारा काम है मैदान से भाग जाने। अच्छा लग रहा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पढ़िए, फिर पढ़िए, गरीब खाने से पढ़िए। नसीब देखिए, नसीब अज़ा का फर्श बिछाते ही आ गई जहरा। नसीब देखिए मेरे गरीब खाने का, गरीब खाने का, बताओ किस तरह, बताओ किस तरह हम तुमसे फैसला कर लें, तुम्हारा काम है मैदान से भाग जाने का। अरे भाग जाने अज़ा का फर। और ये देखिए खास तौर से आखिरी मजमू तक तवज्जो चाहूंगा, ये शेर पेश कर रहा हूँ मुलाजा फरमाइए, तवज्जो चाहूंगा। कि अज़ा का फर्श बिछाते ही आ गई जहरा, नसीब देखिए मेरे गरीब खाने का, उसे भी तुमने नबी का सहाबी मान लिया, अरे उसे भी तुमने नबी का सहाबी मान लिया। अरब में जिसका तटे का शराब खाने का, उसे अरब में जिसका था ठेका शराब खाने का, अरब में जिसका था ठेका शराब खाने का, शराब खाने का, शराब खाने। और ये मकता भी कर रहा हूँ आखिरी मजमे तक इस मकत अला मुलाजा फरमा खास तौर से। है बताओ किस तरह हम तुमसे फैसला कर लें, तुम्हारा काम है मैदान से भाग जाने का, घटा ना पाओगे तुम मेरे अश्क की कीमत, ये मोती है अबू तालिब के कारखाने, कारखाने का, उसे भी तुमने नबी का सहाबी मान लिया। अरब में जिसका था ठेका शराब खाने का, शराब खा। और ये मकता पेश कर रहा हूँ इसी मकते के लिए मैंने सारे सारे शेर पढ़े खास तौर से मुलाजा फरमाइए। अरब में जिसका था ठेका शराब खाने का, और मुझे जमाने के फतवों का गम नहीं महबूब, मुझे जमाने के अरे फतवों का गम नहीं महबूब, मैं हूँ फकीर मुहम्मद के समदियाने।
फकीर मोहम्मद के संग। फकीर मुझे जमाने के फतवों का गम नहीं महबूब, मैं हूँ फकीर मोहम्मद के समझियारे का, मैं हूँ फकीर मोहम्मद के समझियारे का। मुझे जमाने के फतवों का गम नहीं महबूब, मैं हूँ फकीर मोहम्मद के समझियारे का, समझियाने का, समझियाने। और जरा बाबा जब सलावाद भेजें आप हजरात से मिलकर, मिलकर मिलकर सलावाद भेजिए। अच्छा वो हुक्म है तामिल हुक्म, मैं सोच रहा हूँ कैसा है, सब सारे के सारे जुड़ने पड़े। वक्त जब आ गया तामील हुक्म है, वक्त हालांकि हुक्म ना में कहीं है मेरे पास, मुलाजा फरमाइए। वक्त जब आ गया, वक्त जब आ गया, नुसरत का तो सोचा ना गया, कभी सोचा न गया, कभी सोचा न गया। अपने गहवारे में बेशेर से ठहरा न गया, ठहरा न गया। रन में 1400 बरस पहले हंसे थे असगर, आज तक मौत के माथे से पसीना न पसीना न गया, पसीना न गया। देखिए हुक्म तामील हुक्म है, बस दो तीन शेर और उसके बाद में इंशाअल्लाह पे मुसद्दद मौला अब्बास के हवाले। अबू तालिब पे पढ़ मैं सोचा था, मैं अब्बास के हवाले से कुछ पढ़ना था मुझे, लेकिन तामील हुक्म फरमाइश बहुत। चलो ठीक है, हुक्म तामील हुक्म है, मैंने सोचा तो क्या था कहीं थोड़ा। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसे ही तो मैं कह रहा हूँ मेरे की आपको मैं चाहता था जुमला है मैं, मुलाहिजा फरमाइए। जो हुक्म है वो दो तीन शेर पहले मैं उसके पढ़ देता हूँ, मुलाहिजा सुनिए खास तौर से आखिरी मजमे तक। वैसे ही शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, ये नहीं पहुंचा फिर दोबारा पढ़ू मैं आप रात को। शेख जी आपको, शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, कोई तैयारी, कोई तैयारी है। दूसरा मिसरा सुनाया बता रहा है, शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, कोई तैयारी है। शेख जी आपको जन्नत के तलबगारी है, ये कभी सोचा है किसकी वहाँ सरदारी है, सरदारी है, सरदारी। शेर पढ़ देता हूँ उसके बाद बता ले। कोई तैयारी है, कोई तैयारी है, सारी दुनिया को ये पैगाम सुना दो महबूब, सारी दुनिया को ये पैगाम सुना दो महबूब, बुग़्ज़े मौला अली सबसे बड़ी बीमारी है। सारी दुनिया, सारी दुनिया को ये पैगाम सुना दो महबूब, बुग़्ज़े मौला अली सबसे बड़ी बीमारी है,
अरे बीमारी है मुझको अब्बास के दरबार का खादिम समझो, मुझको ये मत कहो महबूब तू अंसारी है, अंसारी है, अरे अंसारी है। बस तामील हुक्म है मोहब्बत आप हजरात की। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का जो हुक्म है मुलाहिजा फरमाए, खास तौर से आखिरी मजमे तक मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज कर दो मुलाहिजा कीजिए कि मेरा ईमान भी देख, मेरा ईमान भी देख, मेरा एहसान भी देख। बस जुबान अबू तालिब, सिर्फ चंद बंद पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइए। मेरा ईमान भी देख, मेरा ईमान एहसान भी देख कि मैं अबू तालिब हूं, मैं अबू तालिब हूं। अब सुनिए मिस्र खास तौर से मुलाहिजा फरमा, मैं अब सब मिलकर बोले, सब मिलकर बोले, ये नाम तो ऐसा बाबर का नाम है, जितनी बार दोहराएंगे इतना ही आप सब में शामिल होंगे, है कि मैं अबू तालिब हूं, मैं अबू तालिब हूँ, मैं हूँ इमरान लकब मेरा अबू तालिब है, तुम भटकते हो कहाँ हक तो मेरी जानिब है, हर मुसलमान पा कानून मेरा वाजिब है, क्योंकि एक बेटा मेरा गालिब कुल गालिब है, जुल्मत कुफर को घर घर से निकाला मैंने, लड़कड़ाता हुआ इस्लाम संभाला मैंने, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब। और ये बंद खुद सुने खास तौर से आखिरी मजमे तक, ये बंद पेश कर रहा हूँ मुलाहिजा फरमाइए। दुनिया मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं, कहीं कुरान से हटकर मेरा शजरा तो नहीं, मेरे किरदार का दामन कहीं मैला तो नहीं, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं, फिर भी तुमने मेरे ईमान की सनद मांगी है, जबकि इस्लाम ने खुद मुझसे मदद मांगी है, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। और बन सुने खास तौर से, खाना हक से जो पाया वो पिसर मेरा है, आयतें जिस पे उतरती हैं वो घर, आयतें जिस पर उतरती हैं वो घर मेरा है, नोके नेजा पा जो बोला है वो सर मेरा है, रन में असगर जो हंसा है वो हुनर, और नाम इस्लाम के, नाम इस्लाम के दामन पे रकम मेरा है, हर आजादार के हाथों में अलम में, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। और सुनिए बंद मुलाहिजा फरमाइए, खास तौर से अर्ज करना मुलाहिजा कीजिए, मैं अबू तालिब हूँ, मेरे औसाफ कमालात तुम्हें क्या मालूम, किस तरह गुजरे हैं लम्हात तुम्हें क्या मालूम, मेरी उल्फत मेरे जज्बात तुम्हें क्या मालूम, क्या थे उस दौर के हालात तुम्हें क्या मालूम, दावत फिक्र में, दावत फिक्र में दिन रात गुजर जाते थे, लोग मेरा ही नमक खा के मुकर जाते थे।
अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब, मैं अबू तालिब हूँ। कुफ्र से दूर रहा फिर भी मैं काफिर ही रहा, अब्द अहमद का पढ़ा फिर भी मैं काफिर ही रहा, मेरा घर बार लुटा अरे फिर भी मैं काफिर ही रहा, मेरा ये खून बहा अरे फिर भी मैं काफिर ही रहा। ना अहल साहिब ईमान बने बैठे हैं, जो भिकारी हैं वो सुल्तान बने बैठे हैं। मैं अब उता और ये बंद हाजिर करता हूँ, देखिए बड़ा कीमती बंद आपकी जौक समाज के वाले ये मुलाजा फरमाए आखिरी मजमे तक। साहिबे ईमान बने बैठे हैं, जो भिकारी हैं वो सुल्तान बने बैठे हैं। मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब, मैं अबू तालिब हूँ। अब ये बंद बड़ा कीमती बंद आपके हवाले कर रहा हूँ, आखिरी मजमे तक मुलाजा फरमाइए, मुलाजा कीजिए हुजूर। कितना पाकीज़ा हसब और नसब मेरा है, कारे इस्लाम में जो कुछ है वो सब मेरा है, अदब ज़िस्त में अंदाज़े अदब मेरा है, मुस्तफ़ा मेरे अली मेरे है रब। अब बैद हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए, अरे ये बताओ कोई, ये बताओ कोई मुझ जैसा मुसलमान भी है, मेरे घर नहज बलागा भी है कुरान भी है, मेरे घर नहज बलागा भी है कुरान भी है। मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मकसदे जुल्म को नाकाम किया है मैंने, तज़किरा हक का सरे आम किया है मैंने, दो घड़ी को भी न आराम किया है मैंने, सब उसूलों का एहतमाम किया है मैंने, जब भी बोला हूँ तो मैं शोला बयानी की तरह, जंग जीती है बुढ़ापे में जवानी की तरह। जंग जीती है बुढ़ा अपे में जवानी की तरह। मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। अब ये बंद मुलाहिज़ा फरमाए, देखिए इस सिलसिले का आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, बड़ा कीमती बंद आपके हवाले कर, मुलाहिज़ा फरमाइए। ए मुसलमान, ए मुसलमान बता कुछ तेरा ईमान भी है, कोई बख्शिश का तेरे पास में सामान भी है, तू जो कहता है कि काफी मुझे कुरान भी है, उसमें ये सोच ले कि सूरह इमरान भी है, गर्ज से सूरह, गर्ज से सूरह इमरान की पहचान नहीं, पूरा कुरान भी रट ले तो मुसलमान। मैं अबू तालिब फरमाए।
وہ یہ مقطع مقطع کا بند حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ رب محبوب پسند آیا قرینہ میرا دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا کام آیا ہے تو بس خون پسینہ میرا کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا ارے یہ سمجھ لو پدر غالب کل غالب ہوں ارے تم تو طالب ہو نبی کے میں ابو طالب ہوں میں ابو